सलामी और मॉस्को के क्रेमलिन पैलेस की भव्य सजावट के बीच व्लादिमीर पुतिन ने एक अनोखा रिकॉर्ड कायम करते हुए पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 71 साल के पुतिन का शपथ समारोह अपने आप में खास था। पांचवी बार रूस के प्रेसिडेंट बनने के बाद पुतिन गुरुवार को चीन पहुंच गए। वो चीन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। जिनपिंग से पुतिन की मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन का ये पहला विदेश दौरा है, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभालने के बाद पहले दौरे के लिए चीन को चुनने का पुतिन का फैसला चर्चा में बना हुआ है। कहा जा रहा है कि पुतिन ने इस दौरे से अपनी प्राथमिकताओं को लेकर दुनिया को एक मैसेज दिया है। पुतिन ने बता दिया है कि शी जिनपिंग से उनके संबंध बहुत मायने रखते हैं। दरअसल चीन और रूस ने फरवरी 2022 में लोन लिमिट्स पार्टनरशिप का ऐलान किया था। चीन पहुंचने के बाद पुतिन ने शी जिनपिंग की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हितों और आपसी विश्वास के आधार पर रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी के निर्माण में जिनपिंग ने अहम भूमिका निभाई है। दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की वजह से ही मैंने एक बार फिर रूस के प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के बाद चीन का सबसे पहला दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम उद्योग, उच्च तकनीक, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेटिव सेक्टर में सहयोग को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रूस और चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह पर पुतिन का दौरा हो रहा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ने से कुछ हफ्तों पहले ही पुतिन जब चीन गए थे, तब उन्होंने जिनपिंग के साथ मिलकर कहा था कि दोनों देशों के बीच एक ऐसी साझेदारी होगी जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। इस दौरान दोनों नेता व्यापक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस यात्रा के दौरान पुतिन चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ भी मुलाकात करेंगे। पुतिन का ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब जिनपिंग फ्रांस, सर्बिया और हंगरी की यात्रा कर लौटे हैं। जिनपिंग के साथ मुलाकात में पुतिन का सबसे बड़ा एजेंडा पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट से जुड़ी डील का है। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तरी रूस से चीन तक नेचुरल गैस की सप्लाई होगी। चीन और रूस के बीच हुआ ये समझौता अब तक अधूरा है। इसके अलावा पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन जंग के कारण रूस की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई चीन से हो जाए। वैसे तो कई सालों में रूस और चीन के बीच कारोबार काफी बढ़ा है, लेकिन पुतिन इसे और बढ़ाना चाहते हैं। पुतिन चाहते हैं कि अब तक यूक्रेन की जंग में चीन ने जैसे साथ दिया है वैसा जारी रखे। चीन दुनिया के सामने तो खुलकर यूक्रेन जंग पर रूस का साथ नहीं देता है, लेकिन पर्दे के पीछे से समर्थन देता है। वो खुलकर तो हथियारों की बिक्री नहीं करता है, लेकिन कथित रूप से ऐसी मशीनरी और टूल्स दे रहा है जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा है। पुतिन ये भी चाहते हैं कि जिनपिंग पश्चिमी देशों के दबाव में ना आए और रूस का पक्का दोस्त बने रहे। 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान जिनपिंग ने रूस को हथियार ना बेचने का वादा किया है। साथ ही ये भी वादा किया है कि वो रूस को दी जाने वाली बाकी चीजों को भी कम कर देंगे। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।